नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सरकार की ओर से 13 ऐसी योजनाएं आई हुई है जिनका सभी को लाभ मिल सकता है, चाहे वह बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हैं या फिर छात्र छात्राएं, सभी को लाभ मिलने वाले। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सर्वजन की सरकार सभी के हितों से सरोकार। अब दोस्तों आइए हम आपको सारी लेटेस्ट जानकारियां देने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको यहां 13 तरह का योजनाएं बताने वाले हैं जो आपको सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने आता है जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, वो आता है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। राज्य की 18 से 50 वर्ष की सभी बहनों को 12,000 रुपये साल भर में मिलने का जो बात है। दोस्तों ये बातें आप सबको जानते होंगे, सबों के अकाउंट में पहली किस्त, जो लोग पहला चरण में कर लिए थे उन लोगों को पहली किस्त मिल गया है और जो लोग हाल फिलहाल में कर रहे हैं उन लोगों को कुछ दिनों के बाद उन लोगों को दूसरा किस्त मिलने वाला है। और अगर आपको पता नहीं है किसका योजना का लाभ का कैसे लेना है, दोस्तों फिर से पोर्टल शुरू हो गया है। अभी आप कहीं भी CSC सेंटर में जा करके या फिर आपके पंचायत में पंचायत भवन में जाकर के आप अपना काम को करवा सकते हैं, बहुत ही कम प्रोसेस है। और दोस्तों अगर आपको इसका प्रोसेस जानना है तो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप वीडियो को पूरा देख करके आप काम को कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। फिर हमारे साथ में आ जाते हैं दूसरा बैंक क्रेडिट लिंकेज। राज्य की 2,60,994 महिला समूह को 11,225 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मतलब दोस्तों ये कि जो गांव में समूह खेला जाता है उन लोगों को इतना रुपये मिले हुए हैं, ठीक ना। दोस्तों दूसरा आता है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसमें से 20,000 से अधिक अस्थाई युवकों को स्वरोजगार की प्राप्ति हुई है। अगर आपको भी चाहते हैं कि आपको भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कुछ पाना है तो दोस्तों इसमें विशेष क्या होता है, इस योजना का मतलब ये होता है कि आप लोगों को सरकार की ओर से लोन दिया जाता है जिसमें 40% सब्सिडी दिया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी चीजों के लिए, चाहे आप वाहन लेने के लिए लोन लेते हैं तो अगर आपको 1,00,000 रुपये लेते हैं तो उसमें से 40,000 रुपये सरकार की ओर से माफ कर दिया जाता है। और इसमें से बहुत सारे लोगों ने इसमें स्कॉर्पियो, बोलेरो वगैरह बहुत सारे जो जरूरत की सामान थी, जो को अपने लग रहा था कि व्यवसाय में काम करना चाहिए, उन चीजों का लाभ इन्होंने लिया हुआ है। तीसरा आ जाता है हमारे सामने, दूसरा आ जाता है मरण गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना। दोस्तों इस योजना में ये होता है कि बहुत सारे लोग विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उसमें सरकार आपको 100% स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सारी कक्षाओं के लिए अलग अलग, आपको पता होगा कि शुरू से ही जैसे ही आप प्रथम क्लास से आते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलते जाता है, वो आगे जाकर के इसकी रकम बढ़ते जाती है, ठीक ना। तो वही अगर आप बाहर में पढ़ना चाहते हैं विदेश जाकर के तो उसमें से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। फिर हमारे सामने आ जाता है तीसरा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें से आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में हम कई बार जिक्र भी किए हुए हैं कि इसमें 15,00,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हैं और ये लोन की रकम आपको तब भुगतान करना है जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, अगर डॉक्यूमेंट्स को आप फुलफिल कर लेते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बन जाता है, उसके बाद आप कहीं भी शैक्षणिक संस्थानों में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की स्वीकृति मिल गई है। मेरे आवेदन को बैंक में जोड़ करके उच्च शिक्षा हेतु रियायती दर पर मुझे ऋण उपलब्ध हो सकेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने की समस्या आ रही थी, योजना का लाभ मिलने से मेरे जैसे कई युवकों को पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। यह है आदित्य कुमार जो बोकारो के रहने वाले हैं, उन्होंने ये बातें कहा है और वो उसका फोटो भी यहाँ प्रॉपर लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 15,00,000 रुपये तक उसको जो भी उच्च शिक्षा के लिए लोन की आवश्यकता हुई थी उसको न्यूनतम दर पर उसे ब्याज मिल गया है, ठीक। दोस्तों अब फिर हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर आके, राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना। दोस्तों इसमें से आप लोग सभी कोई लाभान्वित हुए होंगे, अगर लाभान्वित नहीं हुए होंगे तो अभी आप लोगों ने ऑनलाइन कर दिया होगा सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में, क्योंकि यही एक योजना है जो आपको धरातल पर देखने को मिलता है, राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना, जिसमें 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना देने की बात कही गई है और लोगों को मिल भी रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों को अबुआ आवास योजना से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस पर हम कई सारी डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिए। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ भी चीजें का डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे सामने आ जाता है
सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना 9 लाख किशोरियों को 40,000 प्रति वर्ष किशोरियों की सहायता राशि। दोस्तों इसमें क्या है कि आपको 40,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस मतलब आपको जो है आठवीं कक्षा से ऊपर ये स्कॉलरशिप लागू हो जाते हैं, उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जाते जाते मतलब आपको कुल मिलाकर के 40,000 रुपये मिलते हैं। ये सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से 9 लाख लाभुकों को अभी तक दिया जाता है। ये हर वर्ष इसका फॉर्म निकलता है। अभी हाल फिलहाल में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा था, वहां पर भी लोगों ने आवेदन किया था। बकायदा अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं करवाया है, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है, तो आप जाकर के अपना आंगनबाड़ी सहायिका से आप इसकी बारे में जानकारी ले सकते हैं और उससे प्रोसेस पूछ करके वही आपका काम कर देंगे। फिर दोस्तों यहां आ जाता है मुख्यमंत्री बिरसा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 15 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा, 86 लाख राशन कार्ड धारियों को लाभ मिलेगा। दोस्तों इस योजना के बारे में भी हम पहले से ही बताए हैं, पर फिर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बिरसा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये है, जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड लाया गया था, उसी के तर्ज पर यह बना हुआ है। उसमें क्या था कि 5 लाख तक आपको अगर कहीं कुछ हो जाता है तो उससे आप अपना हेल्प ले सकते हैं। कहीं भी आप किसी भी प्राइवेट सूचीबद्ध अस्पतालों में आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसी तरह से झारखंड सरकार ने अपने स्तर से मुख्यमंत्री बिरसा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाया है, जिसमें से कि आप लोगों को 15 लाख तक का सुरक्षा बीमा प्रदान किया जाता है। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप इसका लाभ वहां ले सकते हैं। फिर इधर आ जाता है प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 35 लाख बच्चों को मिला लाभ। दोस्तों इसमें यह जिक्र किया गया है जैसे 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा उन छात्रों को 35 लाख तक का मिल गया है। जिन लोगों को अभी अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला उसके लिए एक ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, उसमें से आप लोगों को देखे होंगे कि सरकार की ओर से एक स्पष्ट निर्देश आया था कि जिन भी छात्रों का स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत है वो अपना सुधार कर लें, क्योंकि 10 से 15 दिनों के अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप आने वाले हैं। तो अभी भी आप अपना स्कॉलरशिप का पोर्टल में जाकर के आप देख लेंगे कि अगर आपका कहीं कोई त्रुटि होगी तो आप उस चीज को सुधार कर लोगे। उसके बाद सुधार करने के अभी से 15 दिन के अंदर आप लोगों के बैंक खाते में आपके जितने भी जो राशि होते हैं वो आपके बैंक खाते में सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना, दोस्तों इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना, 200 यूनिट तक सभी लाभुकों को, चाहे जो भी ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ऊर्जा है उन लोगों को, अगर आप 200 यूनिट तक बिजली यूज करते हैं तो वो तो माफ हो ही रहा था, लेकिन फिर भी इनके बाद भी सरकार की ओर से जितने भी 38.41 लाख लाभुकों का बिजली बिल पूरी तरह से बकाया हो चुका है। अगर इसके बारे में भी आपको डाउट चल रहा है कि मेरा बिजली बिल माफ हुआ या नहीं हुआ है, तो इसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपना बिजली बिल माफ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम प्रॉपर सारी जानकारियां देंगे। फिर हमारे सामने आ जाते हैं सीएम उत्कृष्ट विद्यालय, 80 स्कूलों में सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई शुरू, पंचायत स्तर तक फुल 5,000 स्कूलों को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है सीएम उत्कृष्ट विद्यालय, 80 स्कूलों में सीबीएसई जैसी पढ़ाई शुरू किया जा रहा है और ये ग्रामीण स्तर में भी पहुंचाया जा रहा है। ये योजना आपको पहले भी शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ हाईलाइट किया गया है बहुत सारी योजनाओं को, जिसमें से फिर एक योजना आती है साइकिल वितरण योजना, 8 लाख बच्चों को मिला साइकिल। दोस्तों अभी क्या है कि आप भी देखे होंगे कि सभी सबों के स्कूल में आप लोगों को साइकिल वितरण किया गया है, और जिन लोगों को साइकिल वितरण नहीं मिला वो अपने प्रिंसिपल से जाकर के बात कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से नहीं सुनवाई पड़ता तो आप डायरेक्ट ब्लॉक जा सकते हैं, वहां से आपको साइकिल वितरण का लाभ मिल जाएगा। फिर आ जाता है हमारे सामने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, दोस्तों फिर हमारे सामने आता है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, लगभग 6.5 लाख किसानों को राहत मिला है। इसमें से क्या है कि आप लोगों ने जितने भी लोगों ने लोन ले रखा था कृषि योजना हेतु, उन लोगों का सभी का जो है वो ऋण माफ हो चुका है। दोस्तों इसमें एक और चीज आता है, 1,900 करोड़ का ऋण माफ हो चुका है। अभी तक ऋण माफी की राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था, मतलब अगर 50,000 से 2 लाख के बीच में अगर आप आते हैं तो आपका ऋण माफ हो चुका है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने बैंक शाखा से जाकर के बात कर सकते हैं, और आपका जिस तरह से बिजली बिल आप देख सकते हैं कि स्वतः माफ हो गया, उसी प्रोसेस से इसका भी ऋण माफी हो चुका है। इसके लिए आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ 13 योजनाएं शेयर किया है।
तो 13 योजना में जो भी योजना आप लाभ नहीं ले पाए होंगे उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम बाध्य हैं आपको रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।